पोस्टीरियर प्लेसेंटा मीन्स लड़का ही होगा, तो इस सिम्टम के पीछे क्या सच्चाई है? तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली मॉम्स विद कनिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो प्लेसेंटा आखिर होता क्या है? प्लेसेंटा आपके बेबी को 9 मंथ्स तक सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, प्रॉपर ब्लड फ्लो प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। प्लेसेंटा का प्रॉपर फंक्शन करना आपके बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जब आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म्ड होती है तो ये प्लेसेंटा आपके यूट्रस में कहीं भी इम्प्लांट हो सकता है। तो प्लेसेंटा अगर आपके स्पाइन की ओर प्लेस हुआ है तो इसे पोस्टीरियर प्लेसेंटा कहा जाता है। तो प्लेसेंटा की पोजीशन से बेबी के जेंडर का आई डोंट थिंक कोई लेना देना है। इफ आई टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस, मेरी प्लेसेंटा थ्रू आउट माय प्रेगनेंसी पोस्टीरियर रही है फ्रॉम डे 1 to 9 months तक। कभी भी उसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं हुई, बट स्टिल आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। तो प्लेसेंटा का पोस्टीरियर होने का मतलब बेबी बॉय ही होगा, ये मेरे केस में तो ठीक नहीं हुआ। 50-50% चांसेस होते हैं फ्रेंड्स, कुछ के केसेस में प्लेसेंटा पोस्टीरियर होने पे उन्हें बेबी बॉय भी होता है, बट मेरे केस में तो बेबी गर्ल हुई है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।